The violent and barbaric communal clashes that broke out in Haryana's Nuh on 31st July claimed 5 lives in Haryana's Nuh and 1 in Gurugram district. These include 2 home guards, 1 sweet maker, 2 members of the Bajrang Dal who had come down all the way to attend the Braj Yatra rally, and 1 Naib Imam of the Anjuman Masjid of Haryana's Gurugram Sector 57. Some of the deceased were either performing their duty on that day, like the 2 home guards. Some of them had been a part of the rally. Shakti Singh had gone out to find out what was the noise about, what was happening in the Gurukul near his house. Neeraj Lal, one of the home guards, was also on duty that day. None of these 5 men made to their homes alive. Their families went haywire looking for them as their phone numbers remained switched off. It was only after hours the next day that they figured out that their dear ones, that their husbands and their sons have died in the violence. अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, वो होमगार्ड की नौकरी पहले से ही कर रहे हैं, जब से आपकी शादी से पहले से कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, नहीं, बेटी पेट में थी जब जब उन्होंने, उससे पहले क्या काम करते थे? दाढ़ी मजदूरी करके थे। अच्छा, तो ये बताइए, उस दिन 31 तारीख को वो यहीं से गए थे, घर से गए थे? हाँ, 31 तारीख ने गए थे सुबह। अच्छा, 11 बजे से खाना वाना खा कर गई थी ड्यूटी पर। हाँ, उसके बाद चोट लगी। चोट लगी। अच्छा, तो आपको फोन किसने किया था? मेरे पास फोन नहीं आया, मेरे जेठ के पास फोन आया था। अच्छा, क्या बोला? ऐसे ऐसे चोट लगी उसके। हॉस्पिटल गए थे देखने उनको? नहीं, मेरे तो ऐसे बोल रहा था कि उसके पैर में जरा सी लग रही है, मुझे ये नहीं पता था कि वो कितनी दुनिया चलेगी। अच्छा, तो आपने फिर उनकी डेथ हो गई, आपको किसने बताया? अच्छा, तो ये अभी सरकार से आपने कुछ क्या, आपको मुआवजा कुछ, आप कैसे रोजी रोटी रोजगार का क्या सोचा है आपने? भाई, सरकार से तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा वो कमान आ रहा था, मेरा कोई सहारा नहीं है, बच्चे है, स्कूल खर्चा, या मेरे लिए कुछ वैसे मदद सरकार करेगी, जो भी वो करेगी मैंने मंजूर होगी। अच्छा, तो उनको, आपको क्या लगता है कि उनको क्यों मार दिया गया? भाई, इसकी ड्यूटी थी तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी पर पता है कहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं, अपनी ड्यूटी जो सरकार ने उसके ड्यूटी दी थी वो अपना फर्ज निभा रहे थे, और फर्ज के निभाते निभाते शहीद हो गए। वो तो जी ऐसा, जब सर्विस कहीं नहीं मिली तो होमगार्ड में लग गए जी। होमगार्ड में नौकरी करी, 14 साल नौकरी करते रहे। हाँ, अपने बच्चों को पालता रहा। मैं बच्चों को पाल रहा था 14 साल से। मुक जा बेटा, अपनी ड्यूटी जा, ड्यूटी चला गया। 5:30 बजे से मालूम हुआ, बड़े लड़के के पास फोन आया, किसी यार दोस्त कैसे अकबर नीरज खत्म, रोना धोने लगे। यहाँ पे कोई दंगा फसाद हुआ था इस साइड में? कोई दंगा फसाद हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो प्रशासन ही जवाबदार है। वो ले गए थे यहाँ से, खेड़ की दौला में ड्यूटी थी, खेड़ की दौला वाले SI वगैरह कौन ले गए, पुलिसकर्मी ले गए थे उसको। नौ में क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो था नहीं। जब यहाँ आया था तो नहलाते धुलाते क्रियाक्रम तो करना पड़ता जी। तब जब लड़के के सिर में लगी हुई थी, इधर भी लगा था, इधर भी लगी हुई थी, इधर भी लगी हुई थी, लड़के का बेहाल कर रहा था, बेहाल कर रहा था। ये मालूम जैसा बुरा हाल था लड़के का, ये मालूम गोली लगी है या पत्थराव लगे हैं या गाड़ी एक्सीडेंट हुई है क्या नहीं, वो तो प्रशासन जाने, वो तो पुलिस जानती है, उनको मालूम होगा, उनके साथ था, वो लेके गए हैं यहाँ से। आपको कब पता लगा कि वो नूह में गया है? 5:30 बजे मालूम पड़ा। हाँ, जब ये पूरा चौकड़ा फैल गया जब मालूम पड़ा। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब उनके बच्चों की प्रोग्रेस हो, इस उसकी औरत को कोई छोटी मोटी ड्यूटी कहीं मिल जाए जो अच्छा है, और मेरे लड़के को हो सके तो शहीद का दर्जा मिले, ये चाहता हूँ।
अपने लड़के के लिए। ये बच्चे 11 साल का लड़का है, 8 साल की लड़की है, पढ़ाई का आप देखो कितना प्राइवेट का है, कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कैसे पालन पोषण करूँगा उनका, क्या कर सकता हूँ मैं है? लंबी उम्र है, कैसे उनका प्रोग्रेस करूँगा। उस दिन शक्ति जी क्या बोल के गए थे? शाम को बेटा पड़ा हुआ था खतीर, शाम को खड़ा हुआ 6 बजे खाना वाना खाए हुआ ने करो यहाँ जा रूम मंदिर पे बाड़क वाड़क रह गए हमारे मंदिर पे जा रहा हूँ। श्याम को मैं रात गाड़ी देखी वैसे हमारे बर्थडे कर रहा हूँ मरद मेटा फोन में को तेने कुछ ना बताई इनका आएगो आएगो कुछ बोला पता कुछ भी फिर मुँह कुत्ते सभी वैसे ही कहते रहे अनुका आ रो आ रो अब इनको पता ना कद लगो न लगो पतो ऐसे मुँह कुछ ना पतो। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। क्या क्या नाम है उनके? पहले की लड़की को तो खुशी है, फिर अनमोल, महक और संस्कार। स्कूल जाते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं, किसने मारा होगा उनको, आपको क्या लगता है? ना पता हमने किसने मारा किसने पता हमने ना पता हमने देखो ना कुछ भी कुछ है हमने कहीं पता और यह बात को तब तुम पता पहचान में कैसे पाड़ू मेरे कुछ भी ना हो। The communal clashes in Haryana's Nuh have led to the arresting of around 170 persons, a vast majority of them Muslims. The investigation in these cases have led to the registration of over 56 FIRs, over 142 and more in all over Haryana as the violence had spread to all the neighboring areas after the violence broke out in Haryana's Nuh on 31st July. Out of these 142 FIRs, around 30 are registered for hate speech on social media. The print had investigated and found how rumors, social media provocation, verbal spats led to the violent clashes in Nuh. With Praveen Jain, this is Bismi Taskin reporting for the print from Haryana.